हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम लोग लेके आए हैं एएमयू के लिए, एमयू इंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग क्या आपको सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन एएमयू या फिर जानने के लिए इस्लामिया में पूछे जाते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इसमें हम क्या सीखेंगे, आज के समय में हम सीखेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो एएमयू में या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 11th और डिप्लोमा साइंस ब्रांच के लिए। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, टाइप देखिए क्वेश्चन वो देखिए कैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और यही एक्स यहाँ दिया हुआ है, बीच में माइनस है वन अपॉन एक्स, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक यहाँ क्या लगेगा, हम देखेंगे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फोर। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमको एंसर में क्या पूछ रहा है माइनस, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे माइनस। ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और आपसे पूछ कह रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, टाइप वही है बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस में दिया तो माइनस में पूछ रहा था, यहाँ माइनस में दिया है और प्लस में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर, यहाँ माइनस था क्योंकि ये माइनस में पूछ रहा था, यहाँ प्लस होगा क्योंकि आंसर आपको प्लस में चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। और देखिए ए की वैल्यू क्या है, जो ये गिवन है ना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो दिया वो ए की वैल्यू है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं एक जीरो पे थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, मतलब लिख सकते हैं नाइन माइनस फोर, ये आपका आंसर हो गया रूट फाइव। पहले के लिए आंसर क्या आ गया रूट फाइव। ऐसे यहाँ पे फाइव क्या है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो एक जगह पे आप लिखेंगे क्या फाइव पर स्क्वायर प्लस फाइव फोर, तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फोर, तो ये आंसर आपका हो गया ट्वेंटी नाइन। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अभी अभी हमने क्या देखा एक्स प्लस एक्स में टर्म था और सेम टर्म था, सिर्फ बीच में साइन चेंज हो रहा था, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स ऐसे दिया है और इसका स्क्वायर दिया है जैसे x का स्क्वायर और वन अपॉन x का स्क्वायर, तो क्या हो रहा है x प्लस x का दिया ये दिया और यहाँ क्यूब ले रहा है, x का क्यूब ले रहा है, वन बाई एक्स का क्यूब हो गया। इस तरह के पैटर्न को भी हम देखेंगे, ये क्या हो गया आपका टाइप टू, टाइप टू हो गया। टाइप टू बोले तो अभी तक हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा कि एक्स प्लस या माइनस वन अपॉन एक्स और इसी के टर्म में, मतलब कि एक्स का दिया है और एक्स के ही टर्म में हमको चाहिए होता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या है एक्स है और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर वन अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर हो गया। तो अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक चेंज हो जाएगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या हो जाएगा, जैसे अगर x में दिया है और स्क्वायर में पूछ रहा है x का स्क्वायर हो गया वन अपॉन x का स्क्वायर हो गया, तो इसके लिए आपको फोर्टी होगा ए स्क्वायर माइनस टू, माइनस क्यों आएगा अभी देखिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी इसको देखिए यहाँ होगा माइनस टू, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है फाइव, तो फाइव का स्क्वायर माइनस टू, मतलब ट्वेंटी फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री, इसका आंसर क्या हो गया ट्वेंटी थ्री। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस लिया क्यों, देखो यहाँ पे ये ठीक आपको याद रखना पड़ेगा, अगर प्लस में दिया है और प्लस में आंसर मांग रहा है, प्लस में दिया है और प्लस में ही आंसर आपसे मांग रहा है, तो आप फॉर्मूले में यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और अगर दोनों माइनस में है मतलब माइनस में आपको क्वेश्चन दे रहा है और माइनस में ही आपसे उसका रिजल्ट पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। अभी देखिए ये हो गया, इसके बाद और कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन ये बनता है कि अगर प्लस में दिया है और माइनस में आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। ऐसे ही अगर माइनस में दिया प्लस प्लस में आपसे पूछ रहा है तो प्लस लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर। और देखिए यहाँ पे भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर कंडीशन है अगर ये क्या है एक एक्सेप्शन केस है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर प्लस में दिया है और माइनस में पूछा है, क्वेश्चन प्लस में दिया है और माइनस में स्क्वायर में पूछा है, तो
तो यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। बाकी ये तीन कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन आपको याद रखना है कि माइनस में दिया है और प्लस दिया है, प्लस में आंसर पूछा है तो प्लस आएगा आंसर क्वेश्चन में। देखिए अभी इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ऐसे देखिए अभी हमने क्या देखा, दोनों प्लस में है तो प्लस में था तो क्या करना पड़ा हमने, और लगा माइनस। दूसरा क्वेश्चन देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस में है ये क्वेश्चन और माइनस में है और प्लस में पूछ रहा है, माइनस में प्लस में पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। क्या लगेगा अब जब क्या लिखेंगे इसके लिए, ए स्क्वायर बीच में क्या लगेगा प्लस प्लस टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है फोर, तो फोर का स्क्वायर प्लस टू मतलब हो गया सिक्सटीन प्लस टू, आंसर इसका हो गया क्या एटीन, ये हो गया इसके लिए आंसर। और अब देखो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, ये अगर इस फॉर्मूले से लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ देखिए ये एक्सेप्शन है, अगर प्लस में दिया है और माइनस में पूछ रहा है, प्लस में दिया है माइनस में पूछ रहा है तो क्या करेंगे। देखो इसके लिए करना क्या होता है हमको, ये पूछ रहा है अगर हम ये फॉर्मूले लगाएंगे तो रॉन्ग होगा, देखो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला है ये जो है ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और दूसरा ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अगर इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, मालूम है इसकी वैल्यू, तो इसको आप क्या लिखेंगे थ्री, और ये अभी हमने आपको सिखाया था कि वन माइनस वन प्लस एक्स और उसी का बीच में माइनस है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फोर, तो इसका जो आंसर क्या आएगा थ्री रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर, तो इसका आंसर क्या आएगा थ्री रूट फाइव, तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, पहले एक्स का में था और एक्स के टर्म में ही निकालना था मतलब पावर नहीं थी, दूसरा हमने क्या देखा एक्स में था और इस बार में पूछ रहा था। अभी देखिए क्या, अभी आपको इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्स की टर्म दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका क्यूब हो जाएगा एक्स का क्यूब वन अपॉन एक्स का क्यूब, इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करने के लिए ट्रिक आपको क्या हो जाएगा, इसके लिए ट्रिक हो जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए, ए क्यूब ए क्या हो जाएगा एज इक्वल फोर, फोर का क्यूब माइनस फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर, फोर का क्यूब कितना होता है सिक्सटी फोर और ये ट्वेल्व माइनस करेंगे क्या आएगा फिफ्टी टू, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहां पे क्या था, दोनों प्लस में था, यहां क्या है माइनस और दूसरा आपको माइनस में पूछा है, तो मैंने आपको यहां पे क्या था दोनों प्लस में था, यहां क्या है माइनस और दूसरा आपको माइनस में पूछा है, तो मैंने आपको पीछे बताया था वही फॉर्म लगेगा क्या कि अगर दोनों प्लस में है तो रिजल्ट फॉर्मूले के बीच में क्या लगाएंगे माइनस, दोनों माइनस में है तो फॉर्मूले में क्या लगेगा प्लस, और अगर प्लस माइनस में दिया प्लस में पूछ रहा है तो आपका प्लस लगेगा, मगर ये भी ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शन केस, अगर प्लस में आता है और माइनस में पूछ रहा है तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस है फॉर्मूला यही रहेगा मतलब शॉर्ट की टाइप का यही रहेगा, क्या है ए क्यूब बीच में हो गया प्लस थ्री ए, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है फाइव, तो फाइव का क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव, आंसर आपका हो जाएगा 125 प्लस 50 आंसर हो जाएगा 140। गाइस आज अभी हमने क्या देखा था उस टाइप पे मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू इक्वल टू थ्री दिया है, तो आपसे आंसर क्या पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे इसका की आंसर इसका क्या हो रहा है। ऐसे यह आपका दूसरा होमवर्क है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यह आप इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अब
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अगर x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कुछ दी हुई है, अभी तक हमने 3 देखा था पावर, अगर पावर 4 हो जाए, पावर 5 हो जाए, पावर 6 हो जाए, पावर 8 हो जाए, मतलब पावर बढ़ती जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछें, ताकि हम उस डाउट को अगले लेक्चर में सॉल्व कर सकें। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।